कलमना के भरतवाड़ा रोड गुलमोहर नगर इलाके में गली क्रिकेट खेलते समय हुए मामूली विवाद में एक 19 वर्षीय युवक ने दूसरे युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस मामले में मृतक अज्जू शेख बताया जा रहा है, जबकि आरोपी करण बंजारे हैं। यह घटना शनिवार की शाम 4 से 4:30 बजे के दरमियान हुई है। इस तरह शहर में लगातार हत्याओं का सिलसिला शुरू है, जिससे शहर की सुरक्षा पर सवाल या निशान उपस्थित हो रहा है। दरअसल अज्जू, करण और बस्ती के अन्य साथी गली में क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान अज्जू और करण के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद करण अपने घर की ओर चला गया, लेकिन कुछ देर बाद ही करण हाथ में धारदार हथियार लेकर वापस लौट आया। उसने हथियार से अज्जू पर हमला कर लहूलुहान कर दिया। यह देखकर अन्य मित्रों ने गंभीर जख्मी अज्जू को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद अज्जू को मृत घोषित किया। सूचना मिलने पर कलमना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और खोजबीन के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की गहराई में जाए तो अज्जू ने अपने साथी गणेश को कॉल करने के उद्देश्य से मोबाइल मांगा, लेकिन गणेश ने मोबाइल देने से मना किया, जहां बीच बचाव करते हुए मृतक करण विवाद के बीच घुसा, लेकिन इसी दौरान अज्जू और करण के बीच ही विवाद निर्माण हो गया, जिसके बाद यह वारदात घटी। 2024 को दोपहर 3:30-4 के दरमियान हमें ऐसी मालूमत पड़ी, खबर मिली कि एक गुलशन नगर में दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, उसमें एक ने दूसरे को चाकू मारा है। वैसे ही खबर मिले, हमारी टीम वहाँ पर पहुँची। पहुँचने के बाद हमें वहाँ जमीन पर खून पड़ा दिखाई दिया। जानकारी लेने के बाद पता चला कि अज्जू नामक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में, भवानी हॉस्पिटल में एडमिट है, और जिसने चाकू से मारा है उसका नाम करण बंजारा है। तत्काल हमारी टीम ने आरोपी के शोध के लिए लोगों को भेजा। उसके बाद हम हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के बाद डॉक्टर ने उपचार दरमियान अज्जू इब्राहिम शेख की मौत हो चुकी है करके बोला। इसके बाद हमने FIR रजिस्टर किया। उसके दौरान हमारी टीम लगातार रात भर और दूसरे दिन आरोपी। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टिमरे की रिपोर्ट।